ये और इसकी कार। नहीं 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 कहाँ जाना, ये कहाँ पे लगाना है? भालियों की पहले चूड़ियों के बीच में भाली वाली राइट। आओ आओ आगे आओ, अरे ये आओ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सच में बहुत गर्म हो रहा है आज, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही है धूप में। कितने बादलों से पैक है एंड यहाँ सूरज मामा बादलों में छुपे हैं लेकिन फिर भी इतनी गर्मी दे रहे हैं। एंड यहाँ से आप पहाड़ देख सकते हैं, ये हरे हरे धान, ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ग्रीनरी। एंड ये हमारा नीम ट्री। तो रिद्धि को जाना है स्कूल, मैं छत में आई थी जरा यहाँ का मौसम का हाल चाल देखने। तो चलिए चलते हैं नीचे, रिद्धि को रेडी करते हैं स्कूल के लिए। आजकल इतनी गर्मी है ना, मैं 3-4 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह व्लॉगिंग क्यों ना की जाए। तो आज मॉर्निंग से ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। रिद्धि के लिए लंच प्रिपेयर करना है एंड इनके पापा गए हैं एज यूजुअल खेलने के लिए। एंड तो चलिए जल्दी से रेडी करते हैं रिद्धि को। आज बनने जा रहे हैं पास्ता। She is ready for school. Bye-bye. Bye-bye. Bye. सब पार्टी ड्रेस में आया आज? हाँ। जा रही क्या अब? Bye-bye करो, bye-bye. Friends, आप लोग सोच रहे होंगे रिद्धिमा आज पार्टी ड्रेस में क्यों गई है स्कूल, स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं गई? सो आज है सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मंथ एंड एवरी सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मंथ रिद्धि के स्कूल में होता है पार्टी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन। तो इस मंथ जितने भी बच्चों का बर्थडे होगा स्कूल में, उन सब का सेलिब्रेशन आज स्कूल में होता है। केक कटिंग होती है, उनको गिफ्ट भी मिलते हैं। तो रिद्धि भी गई है, रिद्धि का बर्थडे नहीं है, रिद्धि का बर्थडे आता है जनवरी में। सो लेकिन पार्टी ड्रेस है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं एंड इनके स्कूल में जंक फूड अलाउ नहीं है, लेकिन एवरी वेडनेसडे, एवरी सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मंथ बच्चों को अलाउ होता है कि वो अपनी पसंद का कुछ भी फास्ट फूड कुछ भी ला सकते हैं। तो आज उसको दिया है मैंने पास्ता। तो अब वो चली गई है स्कूल एंड अब हम करते हैं अपने काम। आदि महाराज भी हमारे उठ गए हैं, चलिए। सो ये मिस्टर आदि नहा धोकर हो गया है रेडी। कपड़े बना दे आपको, नहा धो के ऐसे हो जाएगा बस रोज। आदि को रेडी करते हैं, गैस की गाड़ी आ रही है तो गैस भरा रहे हैं। पापा आ रही हैं, पैसे 90 रुपए। सिलेंडर इसको उठा लेते हैं। पसीने से तर दिखाओ तो, पसीने से तर हो गए। आधी चप्पल लेके उनकी गाड़ी में जाने, बाल देखो तो बाल बार बार क्लिप खोल दे। अंदर आ गया है एंड यहाँ देखिए कितना गंदा हो रहा है, इसको भी साफ करना, पोछा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की सफाई होती नहीं है। ये अपने आप बना रहे हैं जूस अपने लिए। सो फ्रेंड्स, रख दिया सिलेंडर एंड सिलेंडर के ऊपर रखते हैं ये हमारा तांबे का बर्तन। ये बहुत पुराना है, हमारे गांव से है, तो इसमें ही पानी रखते हैं खाने पीने बनाने का। एंड देखिए गर्मी इतनी हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है अभी भी। आज जब ये खेलने गए थे मॉर्निंग में तो इनको वहाँ ग्राउंड में कुछ दिखा, क्या दिखा वो आप देखिए। यहाँ देखो जिम कॉर्बेट पार्क का नजारा आज सुबह सुबह हिरन ग्राउंड के अंदर। आज तो कॉलेज में ही आई है, अरे सुबह सुबह ही ले ले। सो फ्रेंड्स, ये डियर ग्राउंड में आ गया था जहाँ मॉर्निंग में बहुत सारे लोग आते हैं खेलने के लिए एंड उनके बीच भी ये बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है। अधिका कहाँ जाना है? अच्छा नहीं यार, जब देखो अपनी गाड़ी लेके घूमने आता था। नहीं नहीं नहीं, मैं गिर गई। ओहो गिर गया दी, इतनी जोर से गिरा। पी हो गई? अरे दिखा, पी हो गई हाँ? कहाँ कहाँ पे पी हुई? यहाँ पे लग गई ये और इसकी कार। नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, इधर आ इधर आ इधर आ। नहीं नहीं
जिद जिद नहीं जाना, अंदर आओ। ऐसे गेट बंद कर रही हूँ मैं। बाल बाल बनाएंगे पहले। अभी नहाया धोया है, खाना खाया है एंड मुंह नहीं धोया है और जाना है बाहर। ये दिखाओ तो मुंह यहाँ पे लगा है खाना। अभी चलो बाल बनाया, कोई छुट्टी बना छुट्टी। कब इसको हम मुंडन करेंगे, इसका बाल बहुत हो गए इसके। खाना बनाएंगे पहले उसका खाना। ओहो गेट बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया तो इतना बंद रोना है। हल्ला शुरू। अपने ये क्रॉक्स खोलो और चलो अंदर। गुड, कहना मानता है, वही कहना मानता है। क्रॉक्स खोलो। मामा करे कैसे, मामा करते आए हुए तेरा करता किसी करता बिल्कुल। अच्छा ये तो बहुत अच्छा बच्चा है भाई, वेरी गुड। अरे बस 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 इतना भी नहीं रख, आ जाओ अंदर चलो। वेरी गुड वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, पता नहीं कब से कोशिश कर रही हूँ आदि को सुलाने की एंड फाइनली अब वो सो गया है एंड मुझे जाना है मार्केट। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा मार्केट जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आजकल। 3-4 दिन से व्लॉगिंग का मन भी नहीं कर रहा था तो मैंने स्किप करा था। एंड जो तरंगी रिजॉर्ट वाला वीडियो था वो भी मैंने 3-4 दिन के बाद अपलोड किया है, देखिए। एंड ये वाला वीडियो आपके पास इसके नेक्स्ट डे आएगा। तो चलिए जाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ फाइनल शॉपिंग करनी है, कुछ 1-2-4 राखी खरीदनी है एंड आदि के लिए काना की ड्रेस भी लेके आ जाती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर टाइम मिलेगा नहीं। हालांकि उसमें टाइम है अभी, बट मैं चाहती हूँ कि टाइम से उसकी रील्स एंड फ़ोटोज़ वगैरह खींच के रख देती हूँ काना वाली ड्रेस में। मुझे बहुत शौक है कि मैं बच्चों को ऐसे ड्रेसेस बनाऊँ बच्चों में ना, क्योंकि रिद्धि, जब से रिद्धि स्कूल जाने लगी है एंड रिद्धि के स्कूल में भी हमेशा जब से वो प्ले क्लास में पढ़ती तब से कुछ ना कुछ होता रहता था। तो मुझे बहुत शौक है इनको ये सब चीज़ें ड्रेसेस में अच्छा लगता है। देखते हैं कैसा रहता है मार्केट में क्योंकि कल तो राखी है, तो देखते हैं आज कैसी भीड़ भाड़ रहती है मार्केट में इस टाइम पे, दिन के टाइम पे। शाम के टाइम तो चहल पहल रहती है। तो चलिए चलते हैं, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ एंड निकलते हैं मार्केट के लिए। सो फ्रेंड्स आई एम रेडी फॉर मार्केट। जो ये आम का पेड़ है पीछे, यहाँ पे मैंने कल देखा था एक सांप, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, देखी आप? पूछ गया नीचे को, पता नहीं कहाँ को गया जाएगा। हाँ यहाँ बहुत सांप आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट को, नीम की पेड़ के आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इतनी अच्छी छांव रहती है ना। तो चलिए मार्केट। सो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ रामनगर। मैंने मार्केट का हाल देख लिया है एंड वहाँ बिल्कुल स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं है तो मैंने स्कूटी पार्क कर दी है यहीं पे। एंड अब मैं जा रही हूँ आगे मार्केट, तो मैं दिखाती हूँ बहुत भीड़ हो रही है सही में। तो चलिए जल्दी से लेते हैं कुछ राखियाँ एंड बहुत कुछ जो भी चीज़ें चाहिए और चलते हैं घर को सीधा। यहाँ सब राखियाँ ही राखियाँ हैं इस साइड से, ऐसे बहुत राखियाँ हैं। तो चलिए दिखाते हैं मार्केट। तो मैं जाती हूँ उस शॉप में एंड देखिए कितनी भीड़ है। माय गॉड यू कैन सी द भीड़ एंड राखियाँ। कितने वाली राखियाँ ये? 90 का मैम, ये देखिए। ये कहाँ पे लगाना है? भाभियों की चूड़ियों के बीच में, भाभी वाली रहती है। अच्छा भाभी वाली की चूड़ियों के बीच में। कड़े में रेडी बन सकती है ये, देखिए 40 रुपए वाले लुंडे हैं, ये भी लुंडे भाभी के बीच में। तो आज का ये चल रखी है लेडीजों के लिए चूड़ी में बांधने के लिए राखी, प्लेन वाला यही है ना इस टाइप में। मार्केट में लग गया जाम। काना की ड्रेस इसकी आदि नहीं मिलेगा। मैं आई हूँ काना की ड्रेस लेने के लिए।
राखी वगैरह ले ली है, मैं जा रही हूँ एक साड़ी लेने के लिए दीदी के लिए, उनकी राखी आई है तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा ना, आई मीन उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ शॉप में साड़ी लेने। सो फ्रेंड्स, मैं इस एरिया में आई हूँ जहाँ रामनगर में दिन में भी बहुत सब्जियाँ मिल जाती है हमें, सब्जी मार्केट आई है दिन भर, सुबह से लेके शाम तक, रात तक एक्चुअली यहाँ पे सब्जियाँ मिलती रहती हैं। चलते हैं। कैसे दे रहे हो? सो फ्रेंड्स, हो गया शॉपिंग, सामान ले लिया सब, अब चलते हैं सीधा घर को। सो फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ एंड देखिए रिद्धि भी घर आ गई है एंड आते ही सीधा पढ़ाई करना शुरू। राखी बनाई है, दिखाओ तो मुझे राखी। वाओ, स्कूल से राखी अच्छी लग रही है। फिर हेलो तो बोल दो फ्रेंड्स को। हेलो। और सीधा होमवर्क करना शुरू। बाय गॉड, किसने डांटा? बिना डांट के तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती स्कूल से आते ही सीधा। सो फ्रेंड्स, आज भी उठ गया है। अरे So friends, यहाँ रिद्धिमा लगा रही है मेहंदी बुआ के हाथों में। ओहो वाओ, क्या डिज़ाइन बनाया है क्या कहें इसके लिए, अच्छा बिल्कुल अच्छी तरह से बनाएगी, करके दिखाएगी। हाँ वही, हाँ आपने तो स्माइल करके ये 1 2 and अच्छा जल्दी ऐसे करके, हाथ ऐसे करके, हाथ ऐसे करके, बदतमीज। आज मैं चाहती थी कि मैं रिद्धि एंड आदि की वीडियोग्राफी करूं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है एंड उसके लिए मैंने आदि को देखो कितना अच्छे से रेडी करा है, से हेलो हाय कर दो, एंड रिद्धि को भी रेडी करा है, रिद्धि वहां गेट पर चढ़ गई एंड मैं इनके बहुत सारे रील्स एंड फोटोज वगैरह खींच रही थी, लेकिन ये उसमें एक सीन था कि आदि उसको हक करने जाएगा, बहुत ज़ोर से भाग भाग के आएगा एंड आदि नहीं आ रहा है। आदि मस्त वाला इंसान है, तो रिद्धि नाराज़ हो गई है कि मेरे पास नहीं आ रहा हक करने और वो चढ़ गई गेट पे एंड बोल रही है मैं उसको राखी नहीं बांधूंगी रक्षाबंधन के दिन, एंड बाय गॉड इनको तो मकाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से ये माना है, तो वो वहाँ नखरे दिखा रही है और मैं पसीने से तर हो गई गर्मी से। ये बुला रहा, जल्दी आ, बुलाओ दीदी को बुलाओ, वहाँ जाएंगे फोटो खींचने वाले। तो ये रिद्धि, ओहो अब देखो ना, अब जा रहा है, अब जा रहा है उसको बुलाने के लिए। ओह गॉड, तो इनके साथ ऐसे परेशान हो रही हूँ मैं अभी फिर टाइम नहीं मिलेगा ना इसलिए, और उसको नहीं मिली रिद्धि तो फिर वो अपनी गाड़ी में चला गया, उसको तो गाड़ी से इतना प्यार हो गया ना अपना, मैं क्या बताऊँ। ये देखो अब ये यहाँ आ गया है, वो वहां से आ, जल्दी आ। अब वो लड़की नाराज होके देती वहां से, अब से फोटो मांगने वाले। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि इनकी फोटो एंड वीडियो बन जाए, तब से परेशान हो गई हूँ, गर्मी से हालत खराब हो गई है, करते हैं। देखो ये बिल्कुल बन गया पुलिस मैन, आर्मी मैन, दिखा ना आदि, दिखा आदि, दिखाओ डाओ करो, ओए होए होए आदि के बंदूक गोली चला रहा है ये, बच के रहो बच के।
ये गोली मारे लकड़ी से, ये लकड़ी से गोली मारे, ओए होए ओए होए। और वो दीदी नाराज हो गई इसके चक्कर में। इनकी फोटो एंड वीडियो बनाने के लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था, आ गई मेरी हेल्प, इसके नंबर पे कॉल किया, आ गई हेल्प करने के लिए। अन इन दोनों ने दिमाग खराब कर रखा, मैं पसीने से तर हो गई हूँ। रिद्धि ने पकड़ लिया कैट, अभी कैट के साथ है, आज ही तो बस मस्त रहता है, उसको पानी पीना है, वो पानी का गिलास ला रहा है इसलिए अपना। एंड देखो रिद्धि, ओह गॉड, बस ये जल्दी से हो जाए, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर वीडियो अच्छी नहीं आएगी, फोटो भी अच्छी नहीं आएगी। अब जल्दी से प्लीज़, अच्छे बच्चे हैं ना, जल्दी से फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे, अच्छे से प्लीज़, अच्छे से एक चीज़ कहाँ खींच देखो। अरे हे, तेरी बिल्ली को भी बोल स्माइल करने के लिए, तो सो फ्रेंड्स शक्ल के बच गए 12 एंड इनकी बहुत मुश्किल से इनकी फोटोज एंड वीडियोस बन गई है। बहना मेरी बहना, तुझ सा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना, सहना मेरी बहना, तुझ सा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना, स्माइल, मैंने कहा था ना स्माइल करते हुए अच्छी लगती है, सेंटी मुंह अच्छा नहीं लगता, कैसे करेगी स्माइल, एक स्माइल करके दिखा दे देखो अच्छी लगी ना ऐसे, तो ये स्माइल करते हुए अच्छी लगती है, सेंटी मुंह अच्छा नहीं लगता इसका, देखो सच में बहुत पसीना आ गया, हालत खराब हो गई है। एंड इनके करती हूँ अब कपड़े चेंज, आदि ने तो अपने कपड़े गंदे कर दिए, काले पीले कर दिए, बट फिर भी बन गई इनकी वीडियोस। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, कल है राखी एंड पता नहीं कब तक आएगा आपके पास व्लॉग, आ जाएगा तो मैं जाती हूँ शावर लेने, बहुत गर्म हो रहा है एंड पसीने से तर हो गई हूँ। इसको देखो, ये हमारा पुष्पराज, कैसे करता है पुष्पराज, ये झुकेगा नहीं साला, आज तो बहुत टाइम बाद कर रखा है इसने। सो फ्रेंड्स चलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हालत खराब हो गई है बहुत ज्यादा।